नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों के और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने पूछा है कि सर, हमें जो आपने रूपक ताल बताई थी जिसमें आपने कुछ वेरिएशन भी बताए थे, तो हमें उसको बजाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो कृपया उसके बारे में बता दिया जाए। तो देखिए, मैंने बहुत सारे वेरिएशन ऐसे पीछे बताए थे रूपक ताल के, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर, उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है, कौन कौन से वेरिएशन में प्रॉब्लम हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लिख कर भी भेजा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे या मेरे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने लिख कर नहीं भेजा, उन्होंने बस ये कहा कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए, मैं जो लिख कर भेजे थे मेरे दोस्तों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने वो जो मैसेज भेजे थे, तो वो जो लिख कर भेजे थे जिनके बोल, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको सही कैसे करें। ये तीन चार वेरिएशन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बजाए जाते हैं, और बहुत सारी भजन में, बहुत सारी गज़ल में, और बहुत सारे जो आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसे प्रकार हैं जिसमें रूपक बजाया जाता है, तो उसमें ये वेरिएशन बजाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन से वेरिएशन थे। तो सबसे पहले तो अगर आपको वेरिएशन को बजाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप लय के ऊपर पकड़ बना ले और अच्छे ढंग से समझ ले कि रूपक ताल कैसे बजानी है, तो वो लय के साथ आप बजाएं। तो सबसे पहले सिंपल बजाएं, उसके बाद जो वेरिएशन है मैं उनको बता रहा हूँ अब धीरे धीरे। अब सबसे पहले देखिए सिंपल, तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन ना धिन ना धिन ना। अगर आपकी ये स्पीड है तो आप इसी स्पीड में रियाज कीजिए, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं, एकदम स्पीड को ना बढ़ाएं। और फिर इसके बाद फर्स्ट वेरिएशन जिसमें ये कहा था कि इसमें प्रॉब्लम है, वो लिख कर भेजा था दोस्त ने, तो चलिए उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तिन तिन ना ना दीदी ना ना दीदी ना ना, तो इसमें क्या था, धी धी ना ना धी ना ना, तो इसमें प्रॉब्लम बता रहे थे वो। तो देखिए, धी सेकंड फिंगर से शुरू करना है और फर्स्ट पर धी गे गे बस इधर से धी ना ना धी ना ना, बस इतना इसको आपने बजाना है। इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी तो आप उल्टा बजा रहे होंगे, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कोशिश करें कि इधर आपकी जो तिन है वो अच्छे ढंग से निकलनी चाहिए मैदान के ऊपर, बस धीधी नाना इसका रियाज कर लें। इसका 10 मिनट आप रूपक ताल बजाने से पहले इसका रियाज करें, फिर वेरिएशन बजाएं, तो आप देखेंगे कि इस वेरिएशन में आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और सही हो जाएगा जो आपका रियाज सही नहीं हो रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट वेरिएशन की बात करते हैं जिसमें मैंने तिरकिट लगाई थी, कैसे देखिए। ये वेरिएशन उस टाइम आपका बजेगा जब आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी रूपक ताल के बेसिक के ऊपर, यानी कि जो शुद्ध बोल है उसके ऊपर आपकी लय की अच्छी पकड़ होगी तब ये बजेगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा गैप है मात्राओं में, आप देख लीजिए कैसे, तिन ता ते 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 ना ना तिन ना ना तिन ता ते 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 ना ना तिन ना ना, तो इसमें गैप है, बस इसको समझ ले, तिन ता ते 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 ना ना तिन ना ना। तो समझ गए होंगे कि तिरकिट कैसे लगानी है, क्योंकि आगे गैप है थोड़ा सा, उसको ध्यान में रखें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर इस वेरिएशन को स्लो स्पीड में बजाना शुरू करें और धीरे धीरे स्पीड में लेकर जाएं, तो आपकी ये जो समस्या है इस रूपक ताल में ये भी यहाँ पर दूर हो जाएगी जिस दोस्त ने ये भेजा था। तो एक और वेरिएशन था जिसके बारे में बहुत मैसेज आए, तो मैं आपको बजा कर दिखा रहा हूँ। पूछा था दोस्त ने कि लास्ट में सर, जो आपने स्पीड में बजाया, जो आपने दुगुन में बजाया, वो कौन से बोल थे, ये भी पूछा गया था। तो देखिए, मैंने उस वीडियो में एक और वीडियो बनाई थी रूपक ताल की, उसमें मैंने बताया था कि ये कौन से बोल हैं, पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो ये बोल है, धाती धाके दिना गिना धाती धाके तिना गिना, बस इसका रियाज कर लें, दाती दागे दिन्ना किन्ना दाती दागे दिन्ना किन्ना। तीन ताल के बहुत सारे कायदे पलटे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके लास्ट में दाती दागे दिन्ना किन्ना और दाती दागे तिन्ना किन्ना आपको मिलेगा, तो
तो बस इसका रियाज अच्छे ढंग से कर लें, आपके बहुत सारे कायदे पलटों का भी रियाज अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो कैसे लगाना है देख लीजिए। तिन तिन ना ना धिन ना ना ये दुगुन हो गया, धति धागे धिना किन्ना, 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 धति धागे धिना किन्ना। बस इसका लगातार आप रियाज करें। एक वीडियो में मैंने बताया भी था इसका लगातार रियाज कर लें, पहले स्लो स्पीड में इसका रियाज करें, फिर स्पीड में धीरे धीरे एक जहां पर आप कंफर्टेबल है हाई स्पीड तक लेकर जाए। कैसे देखिए, मैं स्पीड में जाकर दिखा रहा हूं आपको। तो ऐसे आप इस स्पीड में लेकर जा सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे इसका रियाज बढ़ा दें, यानी कि अगर 5 मिनट रियाज करें फिर 10 मिनट करें, तब आप देखेंगे ये जो वेरिएशन आपका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। वेरिएशन मैं बजाकर फिर दिखा रहा हूं। तो इसमें आप लास्ट में, अब कुछ मैंने बोल बीच में छोड़े भी थे, तो बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं, तो आप धाती धागे धिन्ना गिन्ना, धाती धागे तिन्ना गिन्ना, तिन्ना गिन्ना की जगह आप धिन्ना गिन्ना भी लगा सकते हैं, धाती धागे धिन्ना गिन्ना, धाती धागे धिन्ना गिन्ना ये भी लगा सकते हैं, पर तिन्ना गिन्ना लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो कोशिश करें तिन्ना गिन्ना लगाएं तो आपका रियाज भी अच्छा हो जाएगा। तो बस कोशिश करें धीरे धीरे इसका रियाज करते जाएं, और फिर जो आपके वेरिएशन है बहुत अच्छे ढंग से बजेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर दबा ले, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप संगीत के परिवार से आगे बढ़ते रहे। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है मेरी वीडियो से जुड़ा हुआ है, या कुछ और पूछना चाहते हैं आप, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो एक दोस्त ने एक और क्वेश्चन किया था, जो कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था, तो और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो रह चुके हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियोस में उसमें सारे प्रश्न जो आपके हैं, समस्याएं हैं, उसका हल आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बताऊंगा कैसे आपने करना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।